और जानो पांक। किधर है तुम? कौन है? रात खत्म होते कि भूल गए क्या मेरे को? कौन है जी आखिर वो चुड़ैल? पूछ रही मैं कौन है उन्हें बोल रही हूँ, सीधा बोलो। मेरे को नहीं मालूम जी कौन है की। कैसा नहीं मालूम? कैसा नहीं मालूम? हाँ उन्हें अम्मू कैसे ही था? हाँ कैसा क्या बोल रही हूँ, पूछ रही मैं क्या था वो उन्हें जो। मेरे को नहीं मालूम जी कौन है की वो। तुम्हारे अम्मू जम्मू जानू कुछ भी पुकारो ना तुम जो समा मेरे को। हाँ ऐसी बात कर रहे हैं क्या है तुम? ये है बोलते कौन थी उन्हें? पूछ रही सीधा, पूछ रही सीधा बोल दो मेरे को कौन थी चुड़ैल आखिर वो। और तुम नहीं रोज रात में तो यही सोते थे, ऐसा उठ के कब गए? हाँ मैं कहाँ गया जी, पेशाब जो जवानियों में जो करते थे ना तुम, वो हरकतें दिख रहे हैं तुम्हारे ये जवानियों के। मेरे को इतना इससे ज्यादा तकलीफ मेरे को हो रही है या हो रही? नहीं मेरे को नहीं मालूम जी कौन है सो। मैं तुम्हें झूठ बोलता हूँ कसम से भर रहा हूँ, मैं झूठ भर दो तुम मर जान दो। कौन मैच नहीं, इसमें भी मेरे कुछ मारो तुम। हाँ इसमें भी मेरे कुछ मारो। नहीं जी देखो मैं पेशाब को गया तो तुम्हारे को उठा के जाता हूँ, डर लग रहा बोल के। कौन ये पूछ रही हूँ कौन कौन है? ये देखो उसका फोन आ रहा, उठा रही हूँ बात करो। हेलो हेलो हाँ कौन है माँ? सॉरी भैया रॉन्ग नंबर। अच्छा रॉन्ग नंबर करे माँ तुम, हमारी जिंदगी का पूरा रॉन्ग नंबर चालू करा दिए तुम यहाँ पे। सॉरी भैया तुम्हारा एक नंबर रॉन्ग करे तो यहाँ पे हमारी हमारे दोनों के दो नंबर रॉन्ग हो गए। आई एम रियली सॉरी भैया। कितनी मोहब्बत आ रही है हम तुम्हारे को। पानी पीते क्या आप? जहर दे दो थोड़ा पी लेके मर जाता हूँ, इतना भरोसा नहीं है तो क्या है भैया। क्या जी मैं चुप मजाक कर रही थी, मेरे आदमी मेरे को भरोसा नहीं रहता। चुप सॉरी। अच्छा ये मजाक से थे शायद ये पूरे, तो हकीकत रहा तो नली मत के खत्म करते शायद। नहीं जी नहीं मैं वो अल्लाह माफ ऐसा नहीं करती मैं। तकिया डाल के दबाए थे सोते खुद। नहीं जी मैं मेरे हाथ दर्द हो रहा बोल के देखो तुम कैसा मैं दबा रही हूँ। जान तुम ये लोचना बेगम। अरे नहीं जी चुप, ऐसा तो अपन मजाक मजाक में खेल लेते रहते ना। अरे वो अलग बात है जी, ये लोचना अलग है। जान छालिया तो खिलाओ। A few moments later. क्या हुआ बच्चा, कैसी है तुम्हारी तबीयत, कैसी है बेटा? है थोड़ी अच्छी है। अच्छी है ना, चलो अल्लाह का शुक्र है। अब्बा थे ना कहाँ गए, आवाज आ रही थी उनकी। वहाँ पीछे बेटा पड़े हुए ना। अरे पीछे क्या कर रहे हो? अरे अम्मी अब्बा को दौरे आ रहे, कहाँ पर गई सके को? आते बेटा उनको कही को उन्होंने मेरे से छालियाँ पूछे। अरे तो गलत क्या करे, छालियां पूछे सही करे बेटा। हाँ। लेकिन उन्होंने जो समा सुमैया छालियां दियो बोले। तो इसमें गलत क्या हुआ, अम्मा रोज छालियां पूछते हैं ना जी तुम्हारे से। मेरा नाम नूरजहां है बेटा। ये क्या हरकत कर दी बाबा। अजी बाबा उठो जी बाबा, उठो उठो उठो। अरे बाबा ये क्या हरकत कर दी जी, अम्मी का नाम बोलने का तुम किसका नाम बोल दिए? चलो बाहर आओ बाहर आओ, बटो बटो अम्मी के पास रखो बटो, अम्मी तो लौटो तुम बटो। यहाँ 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 बैठ यहाँ बैठ। नहीं मरता तेरा बाप इतना जल्दी। मैं खाली पूछ रहा हूँ जी, मगर फिर भी गलती हो गई इनकी, जबान फिसल गई इनकी। अम्मी तुम ऐसा घपा घप मार दिया, देखो हालत क्या हो गई। मेरी मर्जी बहुत मारे बेटा, फंस लियो मैं मार के दोनों तरफ से मार के उठा के फेंक दी बेटे पीछे सो पे के। कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, वो तो चक्कर है जैसा। पकड़ पकड़ ठीक है, अब अच्छा दिख रहा। बहुत आती तुम्हारे बाबा को। अरे जरा गुस्सा कंट्रोल करो अम्मा तुम, सुने ऐसा ऐसा अपने शोर के मारे तो कैसा कुछ भी होगा तो क्या करते फिर, कौन जिम्मेदार?
पुलिस आती केस होता जो मरद को मार दी बल्कि नीचों में आता था कहीं को ऐसा जानते तू फिकर ना को कर मैं मार रही हूँ तू नहीं मार रहा ना अरे क्या जी बा अम्मा अपनी गलती मानने को राजी नहीं है उल्टा मेरे को बोल रहे हैं नहीं मानते बेटा वो बड़े लोग समझाते ना देख बेटा गलती में करना मैं करा सो गलती है चीज अब उसके नतीजे तुम लोग क्या है मैं क्या तो भी है ऐसा मारते जी कुछ तो बोलो करो दिलासा दियो जान दो नेक्स्ट टाइम और थोड़ा ज्यादा मारती हूँ जान दो मगर ऐसा क्या करे बात जो तुम ऐसा मार दिए देख बेटा एक फोन आया रॉन्ग नंबर था ओके होगा मैं मस्ती में गलती से दूसरा नाम निकल गया बेटा कैसा निकलता मैं मस्ती की धुन में था बेटा खाली तुम जिंदगी पूरी मस्ती में रहेंगे अरे तू ये उम्र हो गई ढल गई ना मस्ती ढला तुम्हारी घर में नहीं सालियां किससे करूं मस्करियां वो बात भी सही है तुम्हारे को बहुत शौक है तू क्या इनकी तरफदारी कर रहा खाली नहीं, नहीं वो लेके आ लिया गिड्डी को पहले गिड्डी को झेल लेते बैठता अभी ऊपर से जो समा मेरे कुछ बोल रहा तू पलटा के नहीं मानो जो बोले सही बात है सालियों के साथ मजाक करते ना जी वो अब उनको नहीं है तो तुम्हारे साथ कर ले रहे शायद इतने सालों में नहीं करे मजाक आप कहीं को कर रही मेरे क्या मेरा बेटा तुम्हारे नाना एक को थक जाते बोल के मैं नहीं समझा जी बा आमिर भाई अरे नसीर भाई की आवाज क्यों बटे इन्होंने यहां बैठा हुआ है काहे की रुस्त आप क्या आवाज से आए अब मेरे को क्या बोल के आते मैं पूछता हूं जी बैठो तुम्हारे तो लड़ो सीधा बिठा के जाने तो फिर पहले आदमी जोर का गुलाम बोल के मारा खा के बैठे सोना बोलेगा तो अच्छा बेटा रुक से बच करो ना कचरा है पा तुम बोलेंगे नहीं मारी करी मैं इसको ऐसा बोलो ठीक है अब्बा को मारे से नहीं बोलना मैं पहन जाना अब्बा दा दर्द हां बुला नसीर भाई क्या बात है देखेंगे यार अल्लाह रहम कर वो बुड्ढे को थोड़ा अकल दे आमीन कैसा था अच्छा था क्या मैं ऐसा भाग क्या रे नजीर भैया फुल गुस्से में दिख रहे अरे बुला के लाओ मैं आप तुम आगे से बैठ गए तो कैसे जा बुला जा अरे घोरा भाई आदमी अरे कुछ भी होगा भाई बुला भाई नजीर भाई अंकल आइए अस्सलाम वालेकुम आइए भाई अस्सलाम वालेकुम भाई मैं अब इससे ज्यादा आगे नहीं आ सकता नहीं नहीं को बोलता मैं ऑक्सीजन नहीं लाया अरे भाई माफी चाहता हूं शर्मिंदा ना करो साहब अंदर आओ भाई आइए भाई माफी चाहता हूं आइए भाई जरा अंदर आइए लाओ पास बुला के लाओ भाई आइए भाई अंदर आइए बैठे तशरीफ रखिए बैठे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अंकल सब खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह क्या भाई नो जितना अकड़े हुए आज नहीं भाई वो चिकनगुनिया शायद मच्छर का तुम्हारे जैंटा दर्द होना था तुम्हारे को होगा देखो जरा जैंटा दर्द है मेरे को अल्लाह दे के देता अरे भाई सब खैरियत शुरू होगा भाई हमारे भी ऑक्सीजन भूल गया हम और अंकल पड़ती बारिश में है सब खैरियत वही चीज तीन दिन का आपको टाइम दिया था जी तीन दिन का आपकी बच्ची को दिया था जी ये छह दिन भी आप लोगों को समझ में नहीं आए आज सातवां दिन है जी तो लिहाजा मैं भी सोचा चलो जाके एक बार बात करके आएंगे ये लीजिए भाई क्या है भाई पढ़ के देखिए भाई नको भाई माफी चाहता हूं छोटी गलती इतनी बड़ी सजा नहीं देते भाई भाई जरा भाई दोनों आओ सलाम पापा अस्सलाम मायरा बैठो 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 भाई छोटी गलती है भाई इतनी बड़ी सजा नको भाई बच्ची को इतना कुछ परेशान नको हो जाओ के पेपर आ पापा अब आप पढ़ के तो देखिए आपको मालूम होगा नहीं देखो भाई जो भी है मेरी बच्ची मैं मामला मानते छोटी है अभी है क्या उसकी उम्र आप मेरे से बात मत करो मेरे से बिल्कुल बात मत करो बात कर रहा हूं ना मैं वहां से भाई सीधा रहो जरा बहुत ज्यादा तकरार तकलीफ होगी सर का दिख रहा है चिकन गुनिया तो बोल बेटा जरा बात करो पाचा देखो अंकल वो जो भी है आप लोगों बड़ों में ना इत्तेफाकी है तो आप कई को बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं अंकल ऐसा पेपर ले लेके आए तो क्या आप बड़े हैं आप समझदार हैं आप अकलमंद है आप ऐसा आप लोग क्या सोच रहे क्या समझ रहे बात का मतलब क्या है सोच रहे नहीं अंकल आप इतनी बात को आप पेपर ला लिए रिश्ता तोड़ रहे बोले तो गलत बात कौन बोले आपको ये बात पेपर आप बोले भी थे फोन पर याद है मेरे को अरे आप पेपर तो पढ़ के देखो सुना बेटा इनको पढ़ के सुनो नको पेपर नको ले भाई गलती हो गई बोरे ना भाई माफी मांगो बेटे माफी चाहते पापा गलती हो गई मैं सुधार लेती हूँ चलो मैं आपको माफ कर आप बिल्कुल मत बोलो ठहरो आप अम्मा जरा खामोश बैठो चिच्चा तुम्हारे पर गुस्से में है तुम्हारे बातों से
साइन करना पड़ेगा पेपर, उसकी जिंदगी बर्बाद। कैसे आप अच्छे हैं माशाल्लाह। तुम माफी मांगो जी भाई, मैं भी माफी चाहता हूँ भाई। अगर हमारी बच्ची से कुछ गलती हो गई या मेरे से कुछ आपको बड़जबानी होगी तो माफी चाहती हूँ भाई। ये पेपर पकड़ो, मेरे को दूसरे भी काम है भाई। माफी चाहता हूँ भाई, दूसरी शादी नको कराओ भाई, तुम्हारे बच्चे की, मेरी बच्ची की जिंदगी खराब हुआ थी। बोल बेटा नको साहब प्लीज। देखो अंकल, ये तलाक खुला हलाल काम है, मगर अल्लाह को सबसे नापसंद कामों में से एक काम है रिश्ते तोड़ना। आप भी ऐसा रिश्ता कहीं को तोड़ेंगे इतनी बात को? बच्ची से कुछ नाते नहीं हो गई, हमारे अम्मा गुस्से में कुछ बोल दिए, उनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ, मगर आप ऐसा नको करो अंकल प्लीज। आपके हाथा बोले तो बोलो जी, तुम एक बच्ची हो गए, रिक्वेस्ट करो बेटा, तुम भी करो, तुम भी करो। नहीं नहीं, उन्होंने जरा बहुत शर्मिले हैं, तो खैर आप प्लीज मेरी बात को समझिए। तुम लोग ये गलत फहमी में ना करो जी, मैं माफी चाहता हूँ अंकल हमारी बहन की तरफ से। अरे मियां आप लोग पहले पेपर तो पढ़ो। नहीं नहीं, पेपर नको अंकल, प्लीज समझो आप जरा। अरे बड़ा तुम लोग से ताज्जुब हो रहा मेरे को ये बात से, पेपर पढ़ने के वास्ते क्या तकलीफ है आप लोगों को? हम दुनिया के पेपर आप पढ़ सकते, मगर ये पेपर हमारी बहन के रिश्ते के खिलाफ हम नहीं पढ़ सकते। अरे आप लोगों की गलत फहमी है, ये तलाक उल्लाक तक चले गए, तलाक से हर से मौला हल जाता, आप लोग कुछ अलग ही सोच रहे। भाई आप ही बोल रहे हैं हर से मौला हल जाता बोल के, फिर वही पेपर आ लेना आप। अब कैसा समझाऊं मैं तुम्हारे, मेरे समझ के बाहर ये बात। चलो बेटा मेरे साथ चलो तुम, ये उमरा के पेपर है, ये मेरी बहू और मेरा बेटा उमरा को जा रहे, तुम लोगों को चलो जी। भाई भाई भाई, अरे भाई चलो बैठो आप। एक मिनट, एक भी खत्म आगे देंगे टांगा तोड़ दूंगा पूरों के। अब भी समझा क्या है ना लोगों को, फिर ये क्या हरकत है? अरे अम्मा बना बना काम खराब कर देते, तुम करे तो 3 दिन थी, अब उन्हें 30 साल जिंदगी भर यहीं से रह जाते बाबा की हरकतों से। अरे मैं आप लोगों के नहीं बोला भाई, ये लोगों के। भाई सैयद भाई, आप लोग उमरा गुजार है, बहुत बड़ा काम है, अल्लाह आप लोगों के सारे अरकान पूरे करे, आमीन। और हमारे लिए खास दुआ करिए, और जो है ना मेरे लिए तो खास करके दुआ करिए कि मुसीबत टल जाए, मतलब अपने पूरों की मुसीबत दुआ करिए। और समझ गया मैं, बिल्कुल बिल्कुल। और बेटा अच्छे से जाके आओ, अल्लाह तुम्हारा खुश रखे, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम खुश रहो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो ठीक है, समझ गया ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलो दुआ करिए, अल्लाह हाफिज, दुआ में ख्याल के लिए दुआ करिए बस। चलिए बेटा, चलो अल्लाह का शुक्र है, बच्ची का घर बन गया और बहुत बड़ी जगह जा रही है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करे और अल्लाह उसकी जिंदगी संवार दे। आमीन आमीन। और अल्लाह ताला हर मुसलमान की जिंदगी संवारे, हर मुसलमान को उमरा और हज करने का तौफीक अता करे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। हां अब्बा, तुम ला कब जाते थे उमरा? बेगम आपके ऊपर है बेटा, भाई ऊपर का खर्चा मैं कर लेता हूँ, यहाँ टिकट तुम कर लो। मैं आता हूँ, बामी गुजर रहा है, काम याद आ गया। नहीं तो चलो पूरा तुम लोग पूरों के लगा लेता हूँ मैं, चलो देखे बुला जान दो बेगम, मगर अपन कब जाएंगे उमरा को जी? तुम ऐसा शर्मा ना, हनीमून को नहीं बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को, उमरा को जाएंगे तुम, हनीमून के घर का शर्मा रहे तुम। अरे जाएंगे ना जी, दे अल्लाह जब नसीब में रखा अपन दोनों के, जब बराबर जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। तो ये बस ये बोलना था कि ये हमारी खूबसूरत सीरीज यहीं पे इख्तिताम पे पहुंचती है, तो इंशाल्लाह हु ताला अगली सीरीज में धमाका लगेंगे और बेहतरीन ज़बरदस्त काम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर मार के वायरल कर दो, गली गली बस्ती बस्ती घर घर खाली गुलिस्ता 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 बोल, सही है? बिल्कुल बिल्कुल, खाली चीख मारे तो आता ना गुलिस्ता 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 गुलिस्ता, ऐसा हाई से लो पिच पे जाना, लो पिच से हाई पिच पे आना, बस बस ज्यादा ना कुछ लो में। बेगम तुम यहाँ भी रोकेंगी अब मेरे को, सीरियस हो गए? तो डन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सीजन या फिर नेक्स्ट सीरीज जो भी हम लेंगे इंशाल्लाह ताला ऐसे अच्छा, अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। और क्या है, हमारे को वीडियो कंप्लीट होने के बाद हम लोगों के इंस्टाग्राम आईडीज आते हैं, प्लीज हमारे आईडीज को आप लोग फॉलो करिए, देखिए उसमें भी छोटे मोटे वीडियोस अच्छे आते रहेंगे, आप मुस्कुराएंगे और फॉलो कर सकते हैं, फिर आप जो है सो इन लोगों के बारे में भी जो है सो थोड़ा सा लाइक यू विल कम टू नो अबाउट योर फेवरेट एक्टर्स। बाय बाय, टेक केयर, फिर बोलिए बोलिए माँ। बेटी बोल बोल के सीरीज में नहीं थे कि आज भी बोलना है, बोलो।
और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला अब तक भी इस सीरीज को भी, और आगे भी हम लोग यही चाहेंगे क्योंकि आगे और अच्छा कंटेंट, इससे भी ज्यादा अच्छा करना हम मेहनत करेंगे और इससे ज्यादा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी उम्मीद है कि आप इससे ज्यादा प्यार डे बाय डे हम लोगों को शावर करेंगे। थैंक यू, बिल्कुल सबको बोलो प्लीज बैकअप बैकअप बैकअप।